अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन सुल्ताना। तो गाइस, आज की रेसिपी है सो यमी सो टेस्टी ब्रेड पकोड़ा इन माय स्टाइल, शॉर्ट एंड बेस्ट इन माय स्टाइल। और इसके साथ में जो बचा कुचा है उसकी मैंने अच्छे से ब्रेड जो पीसेस साइड्स के बचते हैं वो उससे मैंने देखिए चाट भी बनाई हूँ। तो चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं, चटपटे पकौड़े खाते हैं। चलिए हम तैयार करते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, बस दो चुटकी ज़ीरा लेना है। और उसमें थोड़ी सी ऑनियन चॉप कर ली हूँ और ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। बस आपको 50 ग्राम तेल में ये बन जाएगा। और ये है थोड़ा सा पोहा, यानी मोटा वाला जो पोहा होता है वो मैंने इसमें डाली हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है। चलिए हम इन सारे चीज़ों को अच्छे से फ्राई होने देते हैं। लाइट पिंक करना है इसे, इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन डालूंगी मैं, बस थोड़ा सा, ज़्यादा मत डालिए। ताज़ा एकदम फ्रेश लीजिए आप अदरक लहसुन का पेस्ट, तो बहुत टेस्ट आता है इसमें। तो देखिए मैं बस हाफ टी स्पून ली हूँ। इन सारे चीज़ों को कच्ची स्मेल जाने तक अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी मैंने चॉप कर ली हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ, बारीक कट कर लीजिए आप, आपके टेस्ट के हिसाब से लीजिए। और यह है हरा धनिया, ये बहुत अच्छा लगता है, आप देखिए ज़रूर और ट्राई कीजिए आप। ये है गाजर, इसे भी मैं अच्छे से ग्रेटेड कर ली हूँ, यानी घस ली हूँ इसे, कद्दूकस कर ली हूँ। अब इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। इस तरह से हमें फ्राई करना है। अब ये है सारे मसाले, काली मिर्च है, काला नमक है, चाट आमचूर पाउडर है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर भुना हुआ एक एक स्पून है पूरा, और यह है चुटकी भर हल्दी और मिर्च आपके टेस्ट के हिसाब से मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ, थोड़ा सा चटपटा अच्छा लगता है। चलिए इन सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेते हैं धीमी आंच पे, एकदम स्लो फ्लेम पे, जलने मत दीजिए। अब ये मैश करा हुआ आलू है, मैंने 4 बड़े आलू ली थी और अब मैं इसमें से हाफ डाल रही हूँ, हाफ मैंने रख दे रही हूँ, ये बस इतना ही काफ़ी है एक ब्रेड के लिए। छोटी सी जो ब्रेड होती है 25 रुपीज़ वाली, उसमें और थोड़ा सा मैं पानी छिड़क रही हूँ ताकि सारे इन मसाले इसमें अच्छे से मिल जाए। देखिए इस तरह से आपको पूरे मिक्स कर लेना है और सूखा एकदम से आप सुखा लेना है पूरा धीमी आंच पे, आप अच्छे से इसे भून लीजिए, इस तरह से सॉटे कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए। देखिए अच्छे से हमारी ये फिलिंग तैयार हो गई, स्टफिंग। चलिए ये स्टफिंग हमने तैयार कर ली है, अब इसे हम नीचे उतार देते हैं, एकदम से ड्राई हो गई है, आपको दिख रहा होगा। इस तरह से हमें बनाना है। चलिए हमारा एक स्टेप हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए ये बेसन है, इसमें मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल रही हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी मैं, थोड़ा सा नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग से थोड़ा सा लीजिए नमक, वरना फीके लगेंगे, ज़्यादा मत डालिए क्योंकि स्टफिंग में भी नमक होता है, बस थोड़ा सा एक चुटकी। और थोड़ा सा मैं इसमें खाने का सोडा डाल रही हूँ, यानी मीठा सोडा, कुकिंग सोडा डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक, बस थोड़ा सा डालिए आप, ज़्यादा मत डालिए। चलिए इसमें भी मैं अभी नमक इसमें लास्ट में मैं मिला रही हूँ, क्योंकि मसाले सूखने के बाद नमक ज़्यादा हो सकता है, इसके लिए मैं लास्ट में इसमें मिला रही हूँ। देखिए अब ये सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और चलिए हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे, एक अच्छा लिक्विड डो बना लेंगे, ज़्यादा लिक्विड नहीं, एकदम मीडियम, ना तो थिक होना है ना तो लूज होना है, बस मीडियम होना है। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिए, एकदम मत डालिए आप, अगर आप लूज हो चुका है तो थोड़ा सा इसमें आप चना जो बेसन होता है वो थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर सकते हैं, चना पाउडर। देखिए इस तरह से इसका थिकनेस होना है, अच्छे से फेंटिए आप, एकदम फ्लफी होगा। तो जब तक वो
सेट हो जाए तब तक हम ये सेट कर लेते हैं। चलिए इसके किन ब्रेड लेंगे, ब्रेड के किनारे निकाल लेंगे। ये मैं इसके फेंकूंगी नहीं, इसका इस्तेमाल मैं करूंगी इंशाल्लाह, आप देखिए। तो चलिए ये है पीसेस, इस तरह से कर लीजिए। आप चाहे तो चाकोल कर सकते हैं, तिकोन भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप चार कोनी कीजिए या तीन कोनी, आपकी मर्जी है। तो ये साइड्स आप ज़ाया मत कीजिए, इसे मैं बाद में काम में लूँगी। इस तरह से सारे किनारे निकाल लीजिए आप ब्रेड के। मैं पूरा एक ब्रेड लेकर बना रही हूँ, अगर नहीं भी निकालते हैं तो चलेगा। तो चलिए हमारी फीलिंग अच्छी सी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है, अब हम ब्रेड पे लगाएंगे। देखिए इतनी चटपटी है ये, इतनी टेस्टी है। आप चाहे तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, मैंने तो आमचूर डाली हूँ, नींबू इसलिए नहीं डालूंगी क्योंकि आलू में फिर कड़वाहट आ जाएगी। तो इस तरह से हम एक एक करके देखिए इस तरह से सब स्टफिंग कर लेना है पूरे पकौड़ों की। पूरा ब्रेड को इस तरह से हम बना लेना है स्टफिंग करके। देखिए एक एक इस तरह से हम सारे बना लेंगे। और ये मैं दूसरा शेप दे रही हूँ, देखिए इस तरह से ये फोल्डिंग शेप है। ब्रेड के किनारे निकाल लीजिए और इसे चारकोनी रख लीजिए स्क्वायर शेप में। अब चलिए इसको हम सिलेंडर शेप बना लेते हैं। देखिए इस तरह से ये बहुत अच्छा लगता है। ये भी ये दो शेप हो गए हैं, एक ही पकोड़े के दो शेप, इतने अच्छे लगते हैं ये भी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह से। देखिए इस तरह से, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था गाइस, मैं अच्छे अच्छे डिशेस और नहीं दे सकी आप लोगों को, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे के SSC एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इस वजह से मुझे मसरूफियात बहुत हो गई थी, इसलिए मैं कुकिंग के ऊपर थोड़ा कम टाइम मिल रहा था मुझे। तो मैं जितना हो सके मैं अपने आप से कोशिश करी हूँ डालने की। आपको पसंद आए तो प्लीज़ गुड्स कमेंट्स करना, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना मेरे प्रॉब्लम्स में। चलिए अब हम ये बेसन के जो घोल बनाते हैं थे इसमें हम डीप कर हम चलिए इसे मीडियम फ्लेम हॉट मीडियम हॉट फ्लेम पे मैंने ऑयल को गरम करा है, बस उस पे ही आप इसे फ्राई कीजिए ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, क्रिस्पी बन जाए। देखिए इस तरह से एक एक करके हम ब्रेड पकोड़ा बना लेंगे। तो ये पकोड़े अच्छे से फ्राई हो, क्रिस्पी बनना है तो आपको थोड़ा सा टाइम देकर बनाना है। झट से जब का जब आप मत पलटाइए इसे, अच्छे से होने दिए वन साइड में, अच्छे से होने के बाद में फिर आप इसे उलट पलट लीजिए। तो इस तरह से आपको 5 मिनट से 6 मिनट लग सकते हैं। तेज़ आंच पे क्या होता है, ऊपर का हिस्सा तो फ्राई हो जाएगा लेकिन अंदर तक वो फ्राई नहीं होगा, कच्चा ब्रेड रह जाएगा। तो ब्रेड अच्छा फ्राई होना है तो आपको मीडियम फ्लेम पे बनाना है। देखिए कितने क्रिस्पी और कितने खूबसूरत बनकर ये तैयार हो चुके हैं, एकदम बाज़ार से भी अच्छे बन चुके हैं ये। इसी तरह से आप पूरे एक एक कर कर इसे बना लीजिए। मैं हलीम का वायदा करती हूँ लेकिन मैं हलीम भी बना नहीं सकी, इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं हलीम भी आप लोगों को ज़रूर और ज़रूर दूंगी, या नहीं तो आप बकरीद में ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं है। रमज़ान में ही खाना ज़रूरी नहीं है, बकरीद में भी गोश्त बहुत रहता है तो जब आप बना सकते हैं। अब जब अपने को रेसिपी पूरा आ जाने के बाद जब चाहे दिल अपना अपन बना सकते हैं, खा सकते हैं, यही नहीं है कि रमज़ान में ही ज़रूरी है हर चीज़ बना कर खाना। ऑलवेज़ कुकिंग वेल है तो ऑलवेज अपन खा सकते हैं, कुछ भी अच्छा सा बनाइए, जब दिल चाहे बनाइए, चटपटा बनाइए, खाइए खाइए, खिलाइए, खुश रहिए और खुश रखिए अपने फैमिली को। तो देखिए गाइस ये जो ब्रेड जो साइड्स थे ब्रेड के, मैंने उसे भी फ्राई कर लिया है। जो स्टफिंग मेरे पास बची है आलू की, मैं वो स्टफिंग में अभी मैं इसकी चाट बना लूँगी। ये हमारे पकौड़े देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हो गए हैं और ये भी क्रिस्पी हो चुके हैं एकदम। तो मैं ये जो स्टफिंग है हमारी, जो फिलिंग थी, इसमें मैं ये ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ। तो इसमें देखिए मैं थोड़ा सा प्याज, कच्चा प्याज डाल रही हूँ, कटा हुआ बारीक
चॉप करा हुआ, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना डालूंगी और थोड़ा सा काला नमक डालूंगी ऊपर से। और देखिए इन सारे चीज़ों को मिलाइए और इतनी टेस्टी होती है ये ब्रेड चाट, आप ज़रूर और ज़रूर बनाइए। अब इसमें मैं टमाटर डालूंगी कट कर कर, तो इस तरह से आप तोड़ लीजिए या नहीं भी तोड़ेंगे तो बहुत चलेगा। अब इसमें एक टमाटर जाएगा और नींबू अगर आपके पास है तो आप नींबू डाल लीजिए। खाई मैं तो दस्तरखान पे रखूंगी नींबू जब हम इफ्तार करेंगे। ये बहुत टेस्टी बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह से। तो देखिए कुछ भी ज़ाया नहीं हो रहा है, हम हर चीज़ को काम में लेते हैं और लेना है क्योंकि ये बहुत मुश्किलों से हमारे घर तक आता है, तो हम हमेशा अनाज की कदर करना चाहिए। देखिए हमेशा हम रिज़्क़ की इज्जत करना चाहिए। तो थोड़ा सा ये काला नमक इसे भी मिक्स कर लूँगी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और थोड़ी सी हरी मिर्च भी इसमें डाल लीजिए आप, बेहद टेस्टी हो जाएगा। देखिए नींबू के साथ आप इसे लीजिए, इतना टेस्टी बनी है ये ब्रेड चाट, आप ज़रूर और ज़रूर ट्राई कीजिए। ब्रेड पकौड़े एंड ब्रेड चाट, नो वेस्ट एंड गुड डिशेस, गुड रिजल्ट। तो आप गाइस जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले प्लीज़ मेरे चैनल को। चलती हूँ, दुआ में याद करना। अल्लाह हाफिज़। जो बेल आइकन प्रेस नहीं किए कर लीजिए, जो चैनल को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलती हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।